दिल्ली में आतंकवादी साजिश में पकड़े गए दो संदिग्ध में से एक आरोपी के तार उधम सिंह नगर से जुड़े हैं। सूचना मिलते ही उधम सिंह नगर पुलिस एक्शन में आ गई। गिरफ्तार आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा के परिवार और संपर्क में आए लोगों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी में धमाके की साजिश नाकाम करने का दावा करते हुए दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने आतंकियों के घर से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। इसमें से एक आरोपी उधम सिंह नगर के गुलर भोज चौकी का रहने वाला है। जनपद पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए कोपा कृपाली गुलर भोज गदरपुर निवासी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा उर्फ याकूब वर्ष 2018 में रुद्रपुर क्षेत्र में हत्या के आरोप में हल्द्वानी जेल में बंद था। पिछले वर्ष अप्रैल 2022 में जगजीत 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। वहीं हल्द्वानी जेल अधीक्षक के कहने पर पुलिस ने 7 जुलाई को 224 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया। तब से उधम सिंह नगर पुलिस और उसे उसकी तलाश में जुटी थी। आरोपी की सूचना मिलने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस एक्शन में आई और पकड़े गए आरोपी के परिजनों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने सभी परिजनों को थाना गदरपुर बुलाया और पूछताछ की, जहां पुलिस ने परिजनों से सख्त हिदायत देकर घर भेज दिया तो वहीं संपर्क में आए लोगों का भी पता करने में जुट गई। साथ में पुलिस अब जनपद में खालिस्तानी संगठन से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई। एसएसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब ऐसे लोगों की गहनता से जांच की जा रही है जो आतंकवादी संगठन खालिस्तान से संपर्क या उनके पोस्ट को लाइक किया है और लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से एक नाम जगजीत सिंह और जग्गा सनाब गुरमेल सिंह निवासी कोपा कपाली गुलर भोज थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर का रहने वाला है, जो 29/11/2018 से इस जेल में निरुद्ध था और 2 अप्रैल 2022 को माननीय उच्च न्यायालय से शॉर्ट टर्म बेल ग्रांट होने पर 3rd ADJ रुद्रपुर के आदेश पर 2/4/2022 को 20 दिन के लिए रिहा किया गया था। उसे 21/4 को वापस आना था परंतु वो वापस नहीं आया, इसकी सूचना माननीय न्यायालय को दी जा चुकी है। उनके ऊपर मतलब ऑलरेडी SOP है, जो भी खालिस्तानी पोस्ट को या खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी प्रकार का फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, उसमें खालिस्तानी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लिंक जुड़ता है उसको फर्स्ट टाइम तो काउंसलिंग दिया जाता है SOP के तहत, सेकंड टाइम में FIR किया जाता है। इसके अलावा हमने जब से मैं आया हूँ एक SOP में अलावा भी एक अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम उनकी पासपोर्ट और क्या बोलते हैं वेपन्स लाइसेंस को तत्काल निरस्तीकरण कराएंगे। इनका आप जिक्र कर...